हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे कि सुआग्रा टैबलेट कब लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सुआग्रा टैबलेट जो है वो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। इस टैबलेट के अंदर सिलेनाफिल ये कंटेंट होता है, जिसका यूज मेनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता की बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुरुषों के लिंग में कड़ापन नहीं आता है। जब पुरुष संभोग करते हैं तब उनके लिंग में प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है, तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए सुआग्रा टैबलेट का यूज करते हैं। तो जिन पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी है वो डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यदि आप पहली बार सुआग्रा टैबलेट ले रहे हो तो 50 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार आपको लेनी है। लेकिन 50 मिलीग्राम की टैबलेट लेने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर आप 100 mg की टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हो। 100 mg से ज़्यादा डोज आपको नहीं लेना है और ये टैबलेट आपको संभोग करने से एक घंटे पहले लेनी है। यदि आपकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से आप 25 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हो। इस टैबलेट को लेने के बाद आपके लिंग की जो ब्लड वेसल है वो रिलैक्स होंगी और आपके लिंग का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिसके कारण लंबे समय तक लिंग में कड़ापन रहेगा और आपकी संभोग करने की टाइमिंग बढ़ेगी। ये टैबलेट लेने के बाद इसका असर 4 घंटों तक रहता है, लेकिन जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी है उसे ही ज्यादा असर दिखता है। 50 मिलीग्राम की टैबलेट की कीमत अभी 133 रुपए है, जिसमें 4 गोलियां आती है, और 100 मिलीग्राम की टैबलेट की कीमत अभी 211 रुपए है, जिसमें भी 4 गोलियां आती है। जिन पेशेंट्स को कोरोनरी हार्ट डिसीज है यानी जिनको हार्ट की कोई भी बीमारी है, या तो जो लोग नाइट्रेट्स दवाई ले रहे हैं उनको इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। देन जो लीवर और किडनी डिसीज के पेशेंट है, या तो जिनके पेट के अंदर अल्सर हुए हैं या कोई खून की बीमारी है, उनको इस दवा का यूज नहीं करना है, या तो वो डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं। यदि आप इस टैबलेट के ज्यादा डोज लेते हो या आपको पहले से कोई बीमारी है तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, लूज मोशन, फॉल इन बीपी, फेशियल फ्लशिंग और नेजल कंजेशन इत्यादि। आपको यदि इस टैबलेट का यूज करना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। तो ये थी जानकारी सुआग्रा टैबलेट की। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।